दोस्तों, दुनिया का सबसे छोटा फ्लावरिंग प्लांट एशियन वाटर मिल है। इसका फूल दुनिया में सबसे छोटा फूल है। इस फूल को वाटर मिल कहते हैं और इस प्लांट का साइंटिफिक नेम उल्फिया ग्लूवोजा है और इसके फ्लावर का साइंटिफिक नेम उल्फिया है। और ये एक रूटलेस प्लांट होता है जो कि पानी के सतह पर रहता है। और इसके साइज की बात करें तो एक नमक के दाने से भी छोटा होता है इसका एक फूल। 0.1 मिलीमीटर टू 0.2 मिलीमीटर इसकी डायमीटर होती है। और ये प्लांट दुनिया भर में सभी जगह पाए जाते हैं, बस रेगिस्तान और बर्फीली जगह छोड़ के, क्योंकि इस प्लांट को उगने के लिए अप्रॉक्स 15 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है टेम्परेचर। और ये प्लांट झील और दलदल में खुद ही उग जाते हैं। बारिश के मौसम में जहाँ भी पानी जमा होता है ये हो जाते हैं। और इसकी पौधे पानी के ऊपर चादर की तरह फैले होते हैं। ये प्लांट हाई रिच प्रोटीन सोर्स है। जितना हमें सोयाबीन से प्रोटीन मिलता है उतना ही प्रोटीन इस प्लांट से मिलता है। इस वजह से दुनिया भर में सभी जगह इसकी खेती की जा रही है। प्लांट को डकवीट नाम से भी जाना जाता है। और आपको बता दें, इस प्लांट में न्यूट्रिशन की भरपूर मात्रा होती है। 40 से 45% प्रोटीन, 5 से 15% फाइबर, 5% पॉलीअनसैचुरेटेड फैट, इसके अलावा कैल्शियम, आयरन, विटामिन ए एंड विटामिन बी प्रचुर मात्रा में होती है। हाई प्रोटीन होने के वजह से डकवीट को वेज मीटबॉल भी कहा जाता है। इस प्लांट में सुपर फूड वाले सारे क्वालिटी है, इसलिए कुपोषण से लड़ने में भी फायदेमंद है। हाई ब्लड प्रेशर और शुगर को भी ये प्लांट कम करता है। और इसकी टेस्ट की बात करें तो कुछ डकवीट धनिया की पत्ती और पालक की साग के तरह होती है, लेकिन मैक्सिमम टेस्टलेस होता है। इस वजह से इसे अल्टरनेटिव रूप से भी देखा जा रहा है। ये प्लांट बहुत से देशों में खाई भी जा रही है। और आपको बता दें, कुछ समय बाद ये प्लांट इंडिया के रेस्टोरेंट में भी और घरों में भी यूज किया जाने लगेगा। जिसे हम नाली पे उगने वाला काई समझते थे, ये एक सुपर वेजिटेबल है। दोस्तों, ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।